यस सर। है ना। चलो लेक्चर नंबर 4 देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं, हमने पहले भी देखा था मेथड स्टडी क्या है, अपन ने डिस्कस किया था। मेथड स्टडी बेसिकली क्या है कि सिस्टमेटिक तरीका है रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग किस चीज की हम करेंगे? रिकॉर्डिंग हम करेंगे कि कौन सी, जो हमने मेथड्स वे ऑफ डूइंग वर्क हमने ऑप्शंस निकाले थे उनको रिकॉर्ड करने का, उनमें सबसे इफेक्टिव क्या है और सबसे इफेक्टिव क्यों है, और सबसे कम टाइम कौन ले रहा है विद लेस ह्यूमन एंड मशीन फटीग। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी और यही मेथड स्टडी को बताती हैं। क्रिटिकल एग्जामिनेशन जो है इनमें इन्हीं चीजों का किया जाता है। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग के लिए हम, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग के लिए बहुत सारे फॉर्मेट्स, बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हम देखेंगे। कौन आया भाई? सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग के लिए आगे अभी कुछ फॉर्मेट्स हम पढ़ेंगे, वो फॉर्मेट्स आते हैं। हाँ क्षितिज, क्या हो गया क्षितिज? सर वो गलती से हो गया सर, सॉरी अच्छा अच्छा सर। कोई 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 बात नहीं, कोई बात नहीं। यही तो सॉफ्टवेयर की मुसीबत है ना, यहाँ पर क्लास में ये सब चीजें बड़ी आसान रहती हैं। चलो एनीवेज, है ना। फिर हाँ जी, सर नेटवर्क इश्यू भी बहुत ज्यादा होता है बहुत होता है। अपन आसपास क्लास में हो सर, तो कोई सडनली नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है। होता है ना, होता है किसी का डेटा खत्म हो गया, किसी का कुछ हो गया। हम लोगों की यस चेयरमैन सर, सर की मीटिंग तो होती थी 3 साढ़े 3 घंटे चलती है। इसमें कम से कम 2 बार हर बंदे का नेटवर्क खत्म हो, वो नेटवर्क जाता है या डेटा खत्म होता है, क्या करें। यस सर। फिर सडनली वो डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फैकल्टीज को ऐसा लगता है कि बच्चा ज्वाइन करना नहीं चाह रहा है नहीं क्लास। वो मैं समझ रहा हूँ। उसमें कई बार बच्चों के व्हाट्सएप भी आते हैं कि सर हम डिस्कनेक्ट हो गए इस कारण से, लेकिन प्लीज हमको दोबारा कनेक्ट कीजिए। लेकिन यकीन यस सर, मानो, आपकी क्लास खत्म होने तक, 5 मिनट पहले तक हम लोगों का दिमाग उसी में होता है। एडमिट के लिए ऑप्शन आते हैं, इसमें हमको भी बहुत वो रहता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है। और इसमें उस समय यस सर, हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम ये सोचें कि ये बच्चा लेट ज्वाइन किया है या इसका डेटा खत्म हो गया होगा या कुछ और हुआ होगा। यस आप उस एंड पे भी सोच सर। के देखो। सर सर ऐसा, सर ऐसा नहीं हो सकता सर। आप जो पढ़ा रहे हो सर, उसकी वीडियो बना के अपन एक चैनल पे डाल दे सर, नहीं, वो अपन वीडियोस तो बनेंगी बेटा, बच्चे। लेकिन हर लेक्चर की वीडियो नहीं बन सकती ना राजू। वीडियो नहीं सर, जरूर जो वीडियो, बनेगी, कुछ अपलोड होंगी, लेकिन सारी नहीं बनेंगी। अगर मान लो मैं 60 क्लास रहता हूँ और भगवान ने करे कि हमारी कांटेक्ट क्लास इस सेमेस्टर में पॉसिबल ही नहीं हो क्योंकि कोरोना का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तो 60 के 60 वीडियो कन्वर्ट हो। तो सर आप स्लाइडे डाल दीजिए सर ग्रुप स्लाइड्स पे, तो तो मैं डालूंगा स्लाइडे ना, से इसको मैं PDF करके आपको दे दूंगा। ये सर तो और कोई मेरे, सा ऐप ये नहीं है। मेरे लिए मुसीबत है। मेरे पास मेरे हैंड रिटन नोट्स बने हुए हैं, इनको मैं पहले PPT पे बनाऊं, फिर आपको स्लाइड शो प्रेजेंट करूं, फिर शेयर करूं। आप क्लास में होते तो ये सारे काम बचते थे। यस सर, सर हैंड अरे रिटन का ही फोटो खींच के डाल सकते हैं ना वीडियो हैंड पर। रिटन को तो मैं दे ही दूंगा ना आपको, लेकिन हैंड रिटन अच्छा लगेगा आपको, हैंड रिटन में शेयर करूंगा। लेकिन मेरे से तो चलेगा यहाँ सर, पे हम लोग बोलेंगे ना, मैनेज कर नहीं लेंगे। मेरे से ऑफिशियल उसके लिए ये बोला जाएगा कि यार आप प्रोफेशनल तरीके से PPT बना के करो। आप तो चलो मेरे हैंड रिटन नोट्स में कर लोगे, मेरे फिर ऑफिस की रिक्वायरमेंट जो होगी कॉलेज की वो अलग होगी। सही है ये है, सर, उसको बोलेंगे नहीं यार हम YouTube पे डालेंगे और तो बाहर वाले को भी अच्छा लगना चाहिए। ये तो आपके और मेरे बीच की बात है कि हैंड रिटन नोट से आप भी समझ जाओगे और मेरे लिए भी आसानी होगी, लेकिन फिर यस कॉलेज सर। वो बात होगी। सर और कोई सा ऐप नहीं जिससे ये एडमिट का ऑप्शन ना आए, डायरेक्ट एडमिट हो जाए? और टाइमिंग इशू ना हो सर। नहीं, टाइमिंग इश्यू तो मैंने रिकरिंग मीटिंग कर रखी है, मैं कभी भी चालू कर सकता हूँ उसको, कभी भी बंद कर सकता हूँ। बस ये है, टाइम की लिमिट होती है कि 40 मिनट अपन कर पाते वही हैं, सर, 40 मिनट के बाद रीस्टार्ट मारना ही पड़ता है। इसके बाद फिर पैसे वाला आता है ऑप्शन, वो उसको अपग्रेड करेंगे तो पैसा खर्च होगा। वो ऑप्शन अभी है नहीं,
और वो क्या है, अपन ले भी लें, कॉलेज भी ले लें, अपन भी ले लें, लेकिन हमेशा थोड़ी ऐसे रहने वाला है। कब हाँ खत्म होता है, हो सकता है अगले महीने खत्म हो जाए कोरोना, कुछ कह नहीं सकते ना। उम्मीद तो जून से है कि खत्म हो जाएगा और अपन बढ़िया कॉन्टेक्ट क्लास में पढ़ेंगे। सर मेन नेट का, सर नेट बहुत खताला है। तुम्हारा क्या, मेरे बच्चे भी तो स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, एक केजी टू वाला है और एक फिफ्थ वाला है। वो केजी टू वाला भी ए और बी ऑनलाइन पढ़ना सीख रहा है, आप बताओ मेरे लिए क्या मुसीबत है। और उनका गूगल क्लासरूम में वर्क अपलोड होता है, वहां से हम लोग अपलोड करते, उसको डाउनलोड करते हैं, करवाते हैं, फोटो खींचते हैं पेरेंट्स, और गूगल क्लासरूम में अपलोड करना पड़ता है। शाम को जाके मुझे वो भी करना है। ओ, स्कूल वाले बच्चे की तो अलग मुसीबत है, आप लोग तो फिर भी समझदार हो। वो भी आप लोगों को करना पड़ेगा, बीइंग अ पेरेंट करना ही पड़ता है। मेरे क्या, मेरे साथ के सारे टीचर्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनके साथ यही हिसाब है। ठीक है सर, ये कॉलेज मैनेजमेंट ने बोला जूम पे करना, क्योंकि दूसरे भी मीटिंग्स है, गूगल मीट है, माइक्रोसॉफ्ट के भी है, अवेलेबल नहीं है। गूगल मीट पे जो है वो पेड प्लेटफॉर्म ही होगा। नहीं सर, वो भी फ्री है, और लेकिन हम लोगों ने जो कॉलेज ने नहीं कहा, ये हम लोग अपने किया, हमने खुद से किया है, क्योंकि हमने जितने भी प्रोग्राम्स अटेंड किए उसमें कॉमन, मोस्ट कॉमन जो था वो जूम प्लेटफॉर्म था, और जूम प्लेटफॉर्म हमको बहुत कंपैरेटिवली बाकी प्लेटफॉर्म से आसानी से चलाने आता है, इसलिए बस टीचर्स ने मैक्सिमम टाइमिंग थोड़े। जी बेटा, ये आसानी तो है, बट इसमें भी तो 40 मिनट का टाइमिंग रहेगा, फिर इसमें नेटवर्क इश्यू भी बहुत आता है। बाकी गूगल मीट और मतलब वो सब भी वेबिनार्स वो सब अटेंड किया, इतना ज्यादा उसमें इश्यूज नहीं आते, ना नेटवर्क का आता है, ना ही टाइम लिमिट रहता है। आपकी एज यंग है, आप सीख सकते हो, आप में से कोई मुझे दूसरा प्लेटफॉर्म सिखा दो तो आई एम रेडी विद यू, नो इश्यूज। मुझे सिखाना पड़ेगा प्लेटफॉर्म, आपको हेल्प करनी पड़ेगी, आई एम रेडी टू लर्न, सीधी सी बात। चलिए सर, सिखा देंगे, वैसे सेम ही रहता, यूआई सेम ही है एकदम। आप में से कोई दो लोग परसों अपनी छुट्टी है जन्माष्टमी की, है ना, परसों अपनी छुट्टी है, कल अपना लेक्चर ऐसा टाइम टेबल में नहीं है, आई सर्च टाइम, अगर कोई नहीं आएगा तो मैं आपके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा, है ना। तो परसों रोज अपन दोपहर में बैठ जाए फोन करके, और आप मुझे कोई नया प्लेटफॉर्म सिखा दो, उस पर चालू हो जाएंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, क्या बोलते हो। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, मेरी टीजीशिप का अभी जो फाइनल ईयर में लड़का है, जब अप्रैल में लॉकडाउन था तो मैंने जूम भी पहले उसी से सीखा था, मुझे बेसिक्स जूम के उसने सिखाए थे, उसका नंबर है, रोल नंबर 25 है, आयुष चौधरी, मेरे टीजीशिप का बच्चा है, उससे मैंने सीखा ये। आप लोग तो क्या गैजेट पीपल हो, हम लोग हो गए थोड़े पुराने उस टाइप से, तो बाकी तो फिर अटेंड करते करते सीखे, आप सिखा दो मैं सीख लूंगा, और अपन फिर उस पे लेक्चर डिलीवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई कॉलेज की तरफ से वो फिक्स नहीं है कि जूम पे ही करो, जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें करो, कॉलेज की तरफ से कोई वो नहीं है बेटा, है ना। तो आप थोड़ी मेरी हेल्प कर लो प्लेटफॉर्म के लिए, कौन कौन रेडी होंगे परसों अपन मिले, जो समझते हैं उन प्लेटफॉर्म के लिए वो ठीक है, आता है थोड़ा बहुत, अच्छा सिखा देंगे। नाम बता दो, नाम बता दो, मैं टाइम निकाल के इंतजार करूं। अमन मिश्रा सर, अमन मिश्रा, अमन मिश्रा, ठीक है, और यस सर, ओके ठीक है अमन, मैं रेडी हूँ, दोपहर में अपन 12 1 बजे के आसपास बैठ सकते हैं, ठीक है, परसों जन्माष्टमी वाले दिन। हाँ सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अपन ऑब्जेक्टिव्स आगे देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो है मेथड स्टडी के, वो हमने क्या देखा था, उससे क्या फायदा होता है, एक तो नए नए तरीके, बेटर वेज ढूंढने में हेल्प हो सकती है, इट एड्स ऑन वैल्यू, वैल्यू इन द सेंस कि जब वैल्यू और एफिशिएंसी, इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी आल्सो, एफिशिएंसी इसलिए क्योंकि जो हम नए नए वेज ढूंढ रहे हैं एक उस काम को, पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए जो रास्ता ढूंढ रहे हैं, उससे अननेसेसरी जो एक्शंस हैं, ह्यूमन एक्शंस हैं, वो रिड्यूस होते हैं, मशीन का फटीक, ह्यूमन का फटीक कम होगा, अनअवॉइडेबल डिलेज जो है मटेरियल आने के और मटेरियल मूवमेंट के फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन,
या एक्यूरेसी लेवल, ये सब हमको कम होते हैं। दूसरा, जो प्रॉपर लेआउट्स हैं वर्क फैक्ट्री के लेआउट और वर्क प्लेस के लेआउट को अचीव करना भी आसान होता है। क्यों? क्योंकि जो बंदा, जो ऑपरेटर उस सीट पे बैठा है, उसकी एक रेंज है। सिमिलरली मशीन की भी एक रेंज होती है ना, एक कंफर्ट एरिया होता है, कंफर्ट रेंज होती है, और एक जिसको मैं कहूँ थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट रेंज या हायर फटीक वाली रेंज होती है, जिसमें मुझे मेरे बैक को, मेरे हैंड को या मशीन के आर्म को स्ट्रेच करने में दिक्कत होती है। दैट इंकर्स कॉस्ट एज वेल एज जो टाइम है वो भी ज्यादा लगता है और फटीक भी बढ़ता है। तो अगर ये उसको इस तरह से तरीका ढूंढ लिया जाए जिससे ये चीजें कम हो, तो एफर्ट भी कम होगा, टाइम भी कम होगा, और इसमें एक वैल्यू भी बढ़ती है। दूसरा वही पॉइंट है, इकोनॉमी इन ह्यूमन एफर्ट, वो अपन ने कवर कर लिया। अननेसेसरी फटीक नहीं होनी, होना चाहिए। ये जो पॉइंट है इम्प्रूवमेंट ऑफ द यूज ऑफ मशीन मटेरियल मैन पावर, ये बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, मैन और मशीन का जो मूवमेंट है वो क्लियर रहता है, ठीक है। अब मटेरियल का मूवमेंट फिक्स कर देता है इंडस्ट्रियल इंजीनियर, जो नया हमने जो तरीका ढूंढा उसके हिसाब से, प्लस मशीन्स का मूवमेंट और मैन पावर का मूवमेंट। मैन पावर का मूवमेंट क्यों होता है अननेसेसरी का, मान लीजिए मुझसे जो रॉ मटेरियल दूर रखा है वो मशीन से थोड़ी दूर पे लैंड हुआ है ना, पुराने वर्क प्रोसीजर के कारण, ठीक है। अब अगर वो नए काम के कारण वो मटेरियल मेरे और करीब आ गया किसी कारण से, तो मेरे मुझे टाइम, एफर्ट, पावर, कॉस्ट, ये सब रिड्यूस होगी। तो यहाँ अननेसेसरी मैन पावर का मूवमेंट भी नहीं होता, जो ऑपरेटर है वो अननेसेसरी मशीन को छोड़ छोड़ के रॉ मटेरियल या कुछ और एसेसरीज के लिए इधर उधर नहीं घूमेगा, तो उसका रिस्ट्रिक्शन हो गया उस जोन में, रिस्ट्रिक्शन आंसर अननेसेसरी मूवमेंट उसका कम हो गया, तो ह्यूमन एफर्ट भी कम हुआ और ज्यादा कंसंट्रेशन वो अपने मशीन, प्रोडक्ट और जो चीज बना रहा है उस पे भी होगा, और इसका इम्पैक्ट उसकी क्वालिटी पे भी जाता है। अमन बघेल आ गए, अब मैं आपको आज के लेक्चर में बताता रहूंगा कैसे कैसे कब कब ज्वाइन करते हैं लोग, ठीक है। एनीवेज, अब सिलेक्ट स्टेप्स हम देखें या प्रोसीजर देखें मेथड स्टडी का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कुछ स्टेप्स हैं, एट स्टेप्स हैं। पहला क्या है, सिलेक्ट, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा एग्जामिन, फिर डेवलप, फिर इवेल्युएट, फिर डिफाइन, इंस्टॉल एंड मेंटेन। पहला है सिलेक्ट, जो हमने अभी तक पढ़ा वो हैपेजार्ड मैनर में पढ़ा कि ये भी होता है, ये भी फायदा होता है, वो भी फायदा होता है, ये भी फायदा होता है। नाउ अब हम ये देख रहे हैं कि उनका एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो एग्जैक्ट सीक्वेंस में सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट क्या करते हैं कि प्रॉपर उस काम के बारे में हम स्टडी करें, ठीक है, जिसके लिए हम नंबर ऑफ वेज ढूंढ रहे हैं, उस काम को अच्छे से हम समझ लें और उसकी बाउंड्रीज डिसाइड कर लें या डिफाइन कर लें। अब ये बाउंड्रीज क्या है, बाउंड्रीज ये है कि मशीन का मैक्सिमम स्ट्रेच क्या है, माने मैक्सिमम फिजिकल बाउंड्री मशीन की क्या है, और उस पे जो बैठा हुआ ऑपरेटर या इंजीनियर जो है, जो उसको ऑपरेट कर रहा है, उसकी मैक्सिमम लिमिट या बाउंड्री क्या है, वो पहले वो समझ लें हम। फिर हम उसको रिकॉर्ड करें, ठीक है, उसके बारे में रिलेटेड जो फैक्ट्स है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। से मेरे पास मटेरियल पीस रखा है, अब मटेरियल पीस किस मटेरियल का है, जो जॉब पीस है वो किस मटेरियल का है। अब फैक्ट्री में जो मटेरियल्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि वो माइल्ड स्टील का है, कास्ट आयरन का है, या इस आयरन का है, उस आयरन का है, ऐसा नहीं होता। वहां पे कमर्शियल नेम्स चलते हैं, जैसे EN3, EN8, EN12। अब आपने ये नाम सुने ही नहीं होंगे, सुने ही क्या किसी ने ये नाम, एनी वन ऑफ यू ऐसा नाम सुना है आपने मटेरियल का, EN8 और EN12? नो सर, नहीं सुने ना। ये कमर्शियल नाम है, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनते हैं, या ये कॉमर्शियली कॉमन नाम है जो मैन्युफैक्चरिंग के यूज होते हैं। अब इनके बारे में EN8 है क्या, इसमें कौन कौन सा मटेरियल, इसमें एक मटेरियल नहीं होता, इसमें बहुत सारे मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इसको ऐसे कॉमन नाम, कमर्शियल नाम दिए जाते हैं। लेकिन एक फैक्ट्री वाला बंदा अगर EN8 बोले तो फैक्ट्री वाला दूसरा बंदा समझता है कि EN8 किस बात की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। अब
फिर इन चीजों को वो करो, इसकी इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे, इसकी किस मशीन से किस मशीन पे जाएगा और फाइनल कहाँ मिलेगा, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो हमारे पास एक पेपर पे आती हैं या हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। देन फिर हम इसको प्रॉपर एग्जामिन करते हैं। कैसे एग्जामिन करें, उस जॉब को क्या परफॉर्म होना है, क्या ऑपरेशंस होने हैं, उन ऑपरेशंस में एग्जैक्टली चैलेंजेस क्या होंगे, इसको रोटेट करने में दिक्कत होगी, इसको एक टेबल से दूसरे टेबल तक स्लाइड करने में दिक्कत होगी, इसको कन्वेयर बेल्ट तक ले जाने में दिक्कत होगी। देयर कैन बी मेनी मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट्स जो हमको ध्यान देने हैं। जैसा मैं कहूँ, इसका पर्पस क्या है, इसमें प्लेस किस प्लेस पे होगा, किस मशीन की टेबल साइज क्या है, सीक्वेंस कैसा होगा और मेथड ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, बहुत सारी या मेथड ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ अपन एग्जामिन करते हैं। देन इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए वील मूव अहेड फॉर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, है ना। इसमें कौन से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होंगे, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स ढूंढने पड़ेंगे जिसमें कॉस्ट कम हो, ह्यूमन एफर्ट कम लगे, मशीन का अननेसेसरी टूल का वेस्टेज ना हो, टूल मिनिमम ऑपरेट हो, मतलब मिनिमम चले और हमको मैक्सिमम आउटपुट मिले, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं। अब इसके बाद हम इसको फिर एवेल्युएट करेंगे, इन सब को ऊपर वाले चार पॉइंट से हम अल्टरनेटिव्स को अचीव कर लेते हैं, इन सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके। फिर एवेल्युएट वाला जो पॉइंट है, यहाँ हमने जितने भी अल्टरनेटिव्स जनरेट किए उसको हम एवेल्युएट करते हैं बाय डेवलपिंग सम न्यू मेथड्स। ऑलरेडी ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी वो फ्लोर या वो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कोई पर्टिकुलर पुराना मेथड यूज कर रहे हो सकता है स्टार्ट टू स्क्रैच करना हो, तो दोनों तरीके हो सकते हैं कि वो अल्टरनेटिव्स में हमको ये भी मिल सकता है कि इन अल्टरनेटिव्स में हम एग्जिस्टिंग मेथड में ये और जोड़ दें तो वो अल्टरनेटिव मेथड बेस्ट फिट हो सकता है। हो सकता है कुछ ऐसा हो कि यार ये मेथड ही बदलना पड़ेगा, नया मेथड हम इम्प्लीमेंट करें तो थिंग्स विल बी ओके। तो यहाँ इस स्टेप में हम अचीव करते हैं कि हमको अल्टरनेटिव्स कौन सा लेना चाहिए। देन उस अल्टरनेटिव को इस पॉइंट में, पॉइंट नंबर 6 में हमको डिफाइन करना है। अब नाउ हमको चीज समझ में आ गई कि क्या परफेक्ट होना चाहिए जो मुझे सारी चीजें बेस्ट मिले, है ना। तो अब फिर उसको डिफाइन करें प्रॉपर से। डिफाइन करने के बाद वंस इट इज इन डेफिनेशन विथ प्रॉपर डिटेल्स ऑन पेपर या ऑन स्क्रीन, देन वी नीड टू डिस्कस इट विथ आवर मैनेजमेंट और कन्वे विथ आवर मैनेजमेंट सुपरवाइजर्स वर्कर्स whomsoever इट इज कंसर्न्ड विथ डील, ठीक। प्रॉपर उनको कन्वे कर दिया, देन इंस्टॉल। व्हाट इज इंस्टॉल हियर, इस मेथड को, इस प्रोसीजर को जो हमने फाइनलाइज किया, हमने उनको कन्वे कर दिया, लेकिन अब ये मेथड उनको नहीं आता, तो उनकी वर्कर्स की, सुपरवाइजर्स की या मैनेजमेंट के कुछ बंदों की उस मेथड पे हमको ट्रेनिंग करानी होगी, एटलीस्ट कब तक वो यूज टू हो जाए उस मेथड के। देन फिर उस मेथड को मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन करने में क्या होगा, हमको वॉच रखना होगा। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पीपल यूज टू वॉच वेदर जो हमने मेथड उनको बताया है, वेदर दे आर फॉलोइंग दैट मेथड और नॉट, और दे आर ड्रैगिंग बैक देमसेल्फ टू ओल्ड मेथड्स, क्योंकि अरे यार ये नई चीज बता के गया यार, ये तो यार बहुत मुश्किल है याद करना, ये तो इसके सीक्वेंस जो है वो ही उसमें नहीं आ रहे, मैं तो पुराने तरीके से करता हूँ। तो मेनी ऑफ द वर्कर्स, मेनी ऑफ द सुपरवाइजर्स समटाइम्स यूज टू डू दिस थिंग, बट उसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियर के लिए मुसीबत यही है कि फिर वो जो मॉनिटर करता है और अपनी रिकॉर्डिंग शीट्स में रिकॉर्ड करता है वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसने जो तरीका बताया वो आप फॉलो नहीं कर रहे। उसके कारण से वो क्या है, हर बैच में रिकॉर्डिंग करते हैं, कैमरा से रिकॉर्डिंग होती है, हर एलिमेंट की जानकारी रखी जाती है, कई बार फिजिकल रिकॉर्डिंग की जाती है टू गेट द बेस्ट आउटपुट अवेलेबल इन द अवेलेबल टाइम एंड रिसोर्सेस, ठीक है। नाउ ये मेथड्स थे, ये प्रोसीजर था मेथड स्टडी का। नाउ सिलेक्शन ऑफ द जॉब फॉर मेथड स्टडी, यहाँ जॉब हो गया जॉब की जगह, ठीक है। सबसे पहले कोई भी हम काम कर रहे हैं, कॉस्ट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ जॉब, प्रोसेस, डिपार्टमेंट या मेथड एनालिसिस, क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं
तो बेस्ट आउटपुट बेस्ट प्रोडक्टिविटी विथ हाईएस्ट एक्यूरेसी के लिए कर रहे हैं, उससे होगा क्या, ऑब्वियसली रेवेन्यू बढ़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन की या प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, तो कॉस्ट तो हमेशा मेन पैरामीटर रहता ही है। तो इस मेथड स्टडी को कैरी करने के लिए हमने एक जॉब को चुना बाय कीपिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कॉस्ट इन अवर पिक्चर एंड अनदर थिंग फिर हम फटिक पैरामीटर्स बाकी भी जो होंगे या अननेसेसरी टाइम को लिंगर ऑन करना या वेस्ट करना उन चीजों को भी देखेंगे, सच दैट प्रपोज्ड मेथड के जो एक्टिविटीज हैं उनमें ये दो तीन चीजें को हम इनकॉर्पोरेट करें। जैसे पहला कि कम से कम स्क्रैप निकले, फिर यूटिलाइजेशन ऑफ जो रिसोर्सेज हो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज वो बेटर हो, बाहर से रिसोर्सेज हमको लेने की जरूरत ना हो, और अननेसेसरी मूवमेंट हो मटेरियल का हो, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स का हो या मैन पावर का हो, वो कम से कम हो। फिर एक स्मूथ लेआउट बने जिसके लिए वो स्मूथ लेआउट मटेरियल के भी बहुत अच्छा हो, मैन पावर के लिए भी अच्छा हो, और वर्किंग कंडीशंस बढ़े, वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव हो। यहाँ वर्किंग कंडीशंस का लेना देना सिर्फ और सिर्फ मैन पावर से है, मैन पावर क्योंकि जहां फैक्ट्री में हम काम करते हैं वहां बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें नॉइस भी है, ह्यूमिडिटी भी है, टेम्परेचर भी है, बहुत सारे और भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, और मतलब वो फैक्ट्री टू फैक्ट्री प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो मैन पावर को, जो ह्यूमन पावर को या मशीन्स को भी कई बार अफेक्ट करते हैं, तो ये चीज हमको देखनी होती है। 5-7 मिनट में ये 10 मिनट में ऑफ होगा तो हम चेंज करेंगे, है ना। ये क्या रहा है, 1.5 मिनट में खत्म होगा, क्या हो गया। क्या चलने लगा भाई, जस्ट मिनट, समथिंग एल्स हैज हैपेंड और शेयर्ड। ओके, बीच में स्क्रीन कुछ गड़बड़ा गई थी ना, हेलो सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, हेलो शो नहीं हो रही सर, हेलो कुछ और शेयर होने लगा था एकदम से, नो सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, क्या हो रहा था, आपकी फोटो शो, आपकी फोटो शो हो रही है सर, हाँ नहीं मैं हूँ बैठा हूँ, नहीं कुछ आपकी फोटो दिख रही है, नहीं फोटो तो मेरी दिख रही है लेकिन जो स्लाइड दिखा रहा था वो दिख रही थी आपको, यस सर नहीं दिख रही सर, पहले लास्ट की एकदम से कुछ और स्लाइड की जगह कुछ और दिखने लगा था, नहीं 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 दिख रही थी, अच्छा अच्छा तो मेरे सिस्टम में कुछ आगे पीछे हो गया था, स्लाइड दिख रही थी, अच्छा अच्छा चलो ओके सर, अब स्लाइड नहीं दिख रही है, हाँ नहीं मैंने वो शेयर ऑफ किया क्योंकि कोई और मैं काम कर रहा था वो खुल गया था, 6 को वेक्स पे सुबह एक ट्रेनिंग अटेंड करी थी तो वो खुलने लगी थी, मुझे ऐसा लगा, मैं सोचा आपको भी वही शेयर हो रहा है, तो चलो ये भी हो गया। अरे भाई आगे बढ़ो, जस्ट अ मिनट, अब इसमें मेथड स्टडी में जो हम सिलेक्शन जब करते हैं तब कुछ और कंसिडरेशंस होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक होता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट, दूसरा होता है टेक्निकल एस्पेक्ट, चौथा होता है ह्यूमन एस्पेक्ट, अब इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो सिलेक्शन जब जॉब का होता है तो हमने ये 5 पॉइंट पहले देख लिए जो कि वर्किंग कंडीशंस तक थे, मतलब उनका आ गए, क्या पता डिस्कनेक्ट हुए हो, चलो ठीक है। तो पहला होता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट, तो यहाँ इकोनॉमिक एस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं तो कॉस्ट और टाइम दोनों आ जाता है साथ में, क्योंकि फैक्ट्री में और प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो कॉस्ट भी, जो टाइम भी है वो भी हमारे लिए कॉस्ट जैसा ही होता है, क्योंकि जितना हमारा टाइम बचा, से सपोज मैंने आज 8 घंटे की शिफ्ट में 40 यूनिट बनाई,
अब अगर मैं कुछ ऐसे मेथड्स इंप्लॉय करता हूँ कि 8 घंटे में मैं अगर 50 यूनिट बना पा रहा हूँ या 44 यूनिट बना पा रहा हूँ तो वो फायदे में है चीज। तो इस तरह से मैंने टाइम बचाया विच टर्न्स टू मोर प्रोडक्शन एंड फाइनली टर्न्स टू हायर रेवेन्यू। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हम काउंट करते हैं। आप चैट में अपना नाम नंबर देते हैं, अच्छी बात है, बट उसकी जगह आप बाद में अटेंडेंस रितेश से लगवा लिया करो। रितेश, आर यू देयर विथ मी? रितेश, आप कनेक्टेड हो? यस सर। ठीक है, यस सर। अटेंडेंस का प्लीज देख लेना बेटा, है ना? ठीक है, हालांकि इसमें एक फाइल बनती है अटेंडेंस की अपने आप, बट वो उस वक्त देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, मिलती है वो भी। सर देखा परसों सुनावा था, वो एक बेर दान दिन के दिन भर में 10 बेर बनका था। हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हैं बेटा? हेलो, आप कुछ बोल रहे थे? ओके, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे हम देख रहे थे। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट का यहाँ बहुत तरीके से मतलब होता है। जैसे इकोनॉमिक एस्पेक्ट का मतलब होता है, एक तो कॉस्ट और टाइम इन्वॉल्व हो। कॉस्ट और टाइम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है? क्या पैसे खर्च करके, या प्रोपोर्शनल है, पैसे खर्च करके टाइम बचा लो या टाइम खर्च करके पैसे बचा लो। और फैक्ट्री में तो टाइम भी पैसे के ही बराबर है, क्योंकि जितना टाइम मेरा बच रहा है उतना मैं नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा बना पाऊंगा, मतलब ज्यादा रेवेन्यू वाली बात होती है। तो इसलिए जो वेज हम ढूंढ रहे हैं और वो बेटर हो जिसमें वेस्टेजेस मिनिमम हो। एक वेस्टेज हो सकती है कि बॉटल नेकनेस हो। नाउ व्हाट इज बॉटल नेकनेस? जिसके कारण कई बार प्रोडक्शन विदेल्ड होता है या डिले होता है। अब बॉटल नेकनेस क्या है? बॉटल नेकनेस ये है कि मान लीजिए एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हो रहा है, पांच से सपोज 5 मशीन्स हैं और उन 5 मशीन्स के ऑपरेशन के बाद हमको एक प्रोडक्ट अचीव हो रहा है, और मशीन नंबर 3 में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि या तो वो स्लो चल रही है या वो कुछ समय के लिए खराब हो गई, तो मशीन नंबर 2 पे बॉटल नेकनेस होने लगेगी। क्योंकि मतलब कुछ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऐसा है कि यहाँ टर्निंग हो जाएगी, आगे जाके टेपर टर्निंग होगी और उसके बाद आगे जाके नर्लिंग हो जाएगी। तो मान लीजिए नर्लिंग का ऑपरेशन हो ही नहीं पा रहा क्योंकि नंबर 2 मशीन जो है उसी के टेपर टर्निंग के बाद उसके पास जॉब पीसेस जमा होते जा रहे हैं और नंबर 3 जो है जिसपे नर्लिंग हो रही है वो स्लो चल रही है। जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। तो नंबर 2 पे वो अपना काम कर करके जमा करते जा रहा है, बिन में जॉब्स इकट्ठे होते जा रहे हैं, लेकिन 3 पे जा नहीं पा रहे, या तो मशीन वो खराब है या वो स्लो ऑपरेट कर रही है, और उसके कारण नंबर 4 और 5 बिल्कुल बंद पड़ी है क्योंकि उन तक प्रोडक्ट जो है हाफ कंडीशन वाला भी पहुंच नहीं पा रहा है, और नंबर 5 के बाद बंदा खड़ा है रिसीव करने के लिए फाइनल प्रोडक्ट को और उसको उस स्पीड से मिल ही नहीं पा रहा, वो मक्खी मार रहा है। तो नंबर 2 पे जो है वो बॉटल नेकनेस है। तो ये ना हो, कई बार इसके कारण भी प्रोडक्शन डिले हो सकता है या बहुत स्क्रैप भी बढ़ता है इसके कारण। कई बार बॉटल नेकनेस के कारण स्क्रैप भी बढ़ेगा क्योंकि नंबर 3 जो है वो स्लो है, हो सकता है उतना एक्यूरेट ऑपरेट भी न कर पा रही हो। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट आता है कि ऑपरेशन इन्वॉल्विंग एक्सेसिव लेबर, अननेसेसरी की लेबर भी मुझे नहीं लेनी क्योंकि मुझे डिपेंड करता है कि जो परमानेंट लेबर है सो तो है, लेकिन प्रोडक्शन में हर यूनिट में हर शिफ्ट में मुझे टेम्पररी लेबर की भी जरूरत होती है। तो वो टेम्पररी लेबर एक्सेस तो मैंने नहीं ले ली क्योंकि दैट इंक्लूड्स कॉस्ट। अनदर थिंग इज वो टेम्पररी लेबर जो मैंने एक्स्ट्रा ले ली वो अननेसेसरी इधर उधर भी घूमती रहेगी, जो डिस्टर्ब भी करती है कई बार बाकियों को। तो वो भी सारे फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर कंसिडर करता है। दूसरी चीज है कि बहुत ज्यादा डिफेक्ट्स और बहुत ज्यादा स्क्रैप तो जनरेट नहीं हो रहा। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में ये भी चीज होती है क्योंकि ये जितना ज्यादा स्क्रैप होगा उतना ज्यादा वो वेस्ट जो मालिक है वो अपने अकाउंट में ही जोड़ेगा, वो जोड़ेगा पूरी यूनिट में, पूरे यूनिट में माना पूरे
पूरी शिफ्ट की कॉस्ट में जुड़ता है वो, रॉ मटेरियल का कॉस्ट और जो स्क्रैप का कॉस्ट है वो मिला के ही मार्जिन या प्रॉफिट का जनरेशन होता है। तो जितना ज्यादा स्क्रैप उतना ज्यादा वेस्टेज या उतना ज्यादा कॉस्ट इनकर और लेस प्रॉफिट होगा उस शिफ्ट का, उस शिफ्ट का या फिर उस डे का भी काउंट किया जाता है। नेक्स्ट इज पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, अननेसेसरी रिसोर्सेस को यूज करना या प्रॉपर जगह पे यूज ना करना भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट में वेस्टेज माना जाता है। अनदर थिंग इज बैक ट्रैकिंग ऑफ मटेरियल या एक्सेस मूवमेंट ऑफ मटेरियल। तो अगर फ्लो ऑफ ऑपरेशन प्रॉपर नहीं है या फ्लो ऑफ जो लेआउट बना हुआ है मटेरियल फ्लो का वो प्रॉपर नहीं है तो बैक ट्रैकिंग ऑफ मटेरियल मतलब क्या हो गया, ऑपरेटर के पास या मटेरियल पहुंच नहीं रहा या डिले से पहुंच रहा है या एक्सेस पहुंच रहा है, दोनों जो है ये नुकसान वाली बातें हैं। बैक ट्रैकिंग करना माने मटेरियल के लिए वेट करना और चेज करना, दैट इज बैक ट्रैकिंग। और एक्सेसिव मूवमेंट माने मेरे को जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा मेरे मशीन एंड पे मटेरियल को पहुंचा दिया गया। तो ये सारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं जो मेथड स्टडी, जो सिलेक्शन है प्रॉपर मेथड स्टडी के लिए, उसको अफेक्ट करते हैं। अनदर थिंग इज टेक्निकल एस्पेक्ट। टेक्निकल एस्पेक्ट में हमारी एक पहली चीज आती है जो होती है वो क्वालिटी, कंसिस्टेंसी हमारे क्वालिटी में मिले, वो पहला पैरामीटर है टेक्निकल एस्पेक्ट का। दूसरा है लॉट ऑफ